फिरोजाबाद थाना रामगढ़ क्षेत्र के अब्बास नगर में बीती रात गैस सिलेंडर लीक होने से आग लगने पर दो लोग झुलस गए, जिनमें 24 वर्षीय वसीम अंसारी पुत्र मोहम्मद रिजवान और 35 वर्षीय जमील पुत्र मोहम्मद अब्दुल रसीद। उक्त लोगों ने जिस घर में आग लगी उसके मकान मालिक मुनव्वर और उनके बच्चों की जान बचाई। हमारी लड़की के नाम चाय बना रही थी, तो चाय बनाते में वो पैर नजर के नाम लो निकली है, लो के साथ में जो के नाम लो के नाम इस कमरे की तरफ आई है, तो भागते हुए जाले के दूसरे वाले कमरे में आग लगी है, जहाँ में हमारे लड़के का दहेज का सामान रखा था, कूलर फ्रिज अलमारी जो भी कुछ दहेज था, कपड़े का धंधा करता था वहाँ एक हज़ार का, वहाँ का कम 40,000 का करीब माल लेके आया, कम 40,000 का तो जिंदा नुकसान है जो कपड़े। घटना स्थल पर समाज सेवी डॉक्टर SP लहरी ने जाकर घायलों का हालचाल पूछा। वहीं पर परिवार के व्यक्ति ने बताया कि मुनव्वर का काफी नुकसान हुआ है, लेखपाल को भी अवगत करा दिया गया है। MBC न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।